हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लावण्यास किचन। आज की रेसिपी है चटपटी मज़ेदार कश्मीरी दम आलू की, जिसमें कश्मीर का ऑथेंटिक और लाजवाब फ्लेवर है छोटे छोटे बेबी पोटैटोज़ के साथ। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूखा मसाला तैयार करेंगे, जिसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच कसूरी मेथी, 3 छोटे इलायची, 4 से 5 लौंग की कलियां, इनको हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है और फिर अच्छे से स्मूथ ग्राइंड कर लेना है। तो हमने इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और फिर इसे स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें सरसों के तेल में पोटैटोज़ को फ्राई करना है। फ्राई करने से पहले हम उसमें थोड़े थोड़े से होल कर दे रहे हैं, जिससे वो अच्छे तरीके से अंदर तक फ्राई हो जाए, और उसको 2 टुकड़ों में काट ले रहे हैं। और फिर हम इसे गैस पे, हमारा तेल गर्म हो चुका था, हम इसमें फ्राई करेंगे। ये ध्यान में रखें, कश्मीरी दम आलू को बनाने के लिए हमें सरसों तेल का यूज़ करना है। सरसों के तेल से कश्मीरी दम आलू में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद ये फ्राई हो रहा है, तब तक हम 10 से 12 सूखी लाल मिर्चों को आधी कटोरी गरम पानी में डिप करके 10 से 15 मिनट रखना है, फिर हम इसे स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारे सूखे मसाले ठंडे हो चुके हैं, हम इसे पहले अच्छी तरीके से पीस लेते हैं। तो ये हमारी सूखा मसाला कश्मीरी दम आलू के लिए तैयार है, और 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारे इन मिर्चियों को भी थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। उसके बाद हमें आधी कटोरी दही लेनी है, इसमें हम हमारा जो मसाला हमने पीसा था वो ऐड करेंगे, और ये जो हमने मिर्च पीसी है, लाल मिर्च, उसको डालेंगे और इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। ये जो दही का बैटर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कश्मीरी दम आलू के फ्लेवर के लिए, जिससे बहुत ही ऑथेंटिक फ्लेवर आता है। हमारा जो आलू है वो भी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत ही सुनहरे से आलू लग रहे हैं। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने आलू को भी फ्राई कर लिया। इसके बाद हमें 1.5 बड़ा प्याज काटा है, और कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें बादाम और किशमिश हैं, इनको भी हमें अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, कुछ इस तरीके से। और जब ये थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएंगे, तब हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर भी ऐड करेंगे, जिनको हमें अच्छे तरीके से फ्राई करना है इनके साथ। और जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, तो हम इसे अगेन प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करके इनका पेस्ट बना लेंगे। याद रखें, सारा कुछ हम सरसों तेल में बना रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे हमारे कश्मीरी दम आलू को। फिर हमें एक पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों तेल में 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। फिर हमने जो प्याज, टमाटर और ड्राई फ्रूट का पेस्ट बनाया है, इसे हमें ऐड करना है। हमें मिक्सर के जार में जो बचे मसाले हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें और ऐड कर लेंगे उसे, ताकि सारे मसाले आ जाएं, कुछ इस तरीके से। और फिर हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, सूखे मसाले, जिसमें 1/4 चम्मच हमें हल्दी पाउडर यूज़ करना है, 2.5 चम्मच हमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करना है, और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। ध्यान रखें, कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करना है। लाल मिर्च जो कश्मीरी वाली आती है,
वो। उसके बाद हमें इसमें नमक डालना है स्वाद अनुसार, और फिर अगेन हमें इसे फ्राई करना है। तो जब ये थोड़ा फ्राई हो जाए तब हम इसमें आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालेंगे और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और देखिए कितने अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं ये। अब हम इसमें डालेंगे हमारा ये दही का बैटर, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक फ्लेवर देगा कश्मीरी दम आलू को। अब इसमें हमने यूज़ किया था सूखी लाल मिर्च का पेस्ट, जिसलिए हमने अलग से कोई लाल मिर्च नहीं डाली है, हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कश्मीरी दम आलू को बनाने के लिए। उसका एक अपना अलग ही फ्लेवर रहता है। देखिए अच्छी तरीके से ये बॉईल हो रहे हैं। अब इसमें अगेन एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बहुत ही अच्छी हमारी कश्मीरी दम आलू की ये ग्रेवी बनी है, जिसमें हमने जो हमारे आलू हमने फ्राई किए थे वो हमने मिला लिया है। इसको हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से स्लो फ्लेम पे ढककर पकाना है, जिससे सारा मसालों का फ्लेवर आलू के अंदर चला जाए। तो लीजिए हमारे कश्मीरी दम आलू के 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरीके से पक चुका है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद अगेन हमें 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। ये हमने पानी डाल दिया है और फिर हम इसे अच्छी तरीके से मिला देते हैं। उसके बाद हमें 1 से 2 मिनट इसे पकाना है। तो लीजिए हमारा ये दम आलू तैयार है। इसमें हम अगेन 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रहे हैं और उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिला रहे हैं और फिर अगेन हमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स धनिया पत्ती डालना है और अच्छी तरीके से मिला लेना है। हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके कसूरी मेथी और धनिया पत्ती डाला है, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे कश्मीरी दम आलू को। सरसों तेल का फ्लेवर आएगा, कश्मीरी लाल मिर्च का फ्लेवर आएगा, दही का फ्लेवर आएगा। बहुत ही टेस्टी डिश, चटपटी मज़ेदार दम आलू जो कि कश्मीरी दम आलू है बिल्कुल तैयार है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।